गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज हो जाती है, अगर दो पार्टनर अगर बिजनेस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि नहीं भाई हम अपनी ओल्ड रेशियो को अब चेंज करना चाहते हैं, अपनी रेशियो को वो चेंज कर रहे हैं, तो क्या हमारा इम्पैक्ट आएगा अपने जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं। इसके लिए बेटा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 1 अप्रैल 2020 को दो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि भाई हम अपनी रेशियो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। पहले उनकी रेशियो थी मान लीजिए 50-50 की, यानी कि 1:1 की थी। अब रेशियो चेंज हो गई, अब रेशियो चेंज हो गई यहाँ पे, और रेशियो चेंज होके हो गई हमारे पास क्या, अब हमारे पास रेशियो हो गई 60-40 की हो गई। दूसरी भाषा में कहें तो 3:2 की रेशियो हो गई, यानी कि पहले 50-50 के पार्टनर थे ए और बी, लेकिन अब ए और बी जो पार्टनर हो गए हैं वो 60-40 के हो गए। तो पूरी कहानी में क्या बात समझ में आती है आप लोगों को? सर एक बात समझ में आ रही है कि ए का शेयर पहले जो 50% था वो बढ़ कर के अब कितना हो गया है, 60% हो गया। इसका मतलब कितना परसेंट शेयर बढ़ गया उसका? सर 10% बढ़ गया। इसका 10% बढ़ा है तो किसी का घटा भी तो होगा। किसका घटा है? सर बी का शेयर घट गया। कितना परसेंट घट गया? 10% कम हो गया। इसका मतलब कोई गेन कर रहा है इस कहानी में और कोई सेक्रीफाइस कर रहा है। यही आपको ध्यान रखना है इस पूरी कहानी में, कोई पार्टनर कभी गेन करेगा तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, या दो से ज़्यादा पार्टनर हो तो ऐसा भी हो सकता है कोई भी पार्टनर, मतलब कोई वो पार्टनर न सेक्रीफाइस करे और न गेन करे। तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है जो पुराने प्रॉफिट बटे हुए हैं? छोटी सी बात याद रखो बेटा, पुराना जो प्रॉफिट है ना, तरीके से तो क्या करना चाहिए, इसको पुरानी रेशो में बांट करके बात खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि आगे से जो भी नया कमाएंगे, जो भी नया प्रॉफिट होगा उसको नई रेशो में बांट लेंगे। लेकिन पुरानी चीज़ें किस रेशो में बांटनी चाहिए? हमेशा पुरानी रेशो में क्या होनी चाहिए, डिवाइड हो जाने चाहिए। यानी कि जो भी हमारा पुराना, चाहे वो भले ही प्रॉफिट है, भले ही लॉस है, चाहे भले ही रिजर्व है, तो एक रूल बना लो कि उनको हम पुरानी रेशो में बांट देंगे, इसका मतलब ओल्ड रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि क्या क्या वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। तो बेटे इसके लिए एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सभी को मालूम है, मेरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कराने का अपना एक तरीका है बेटा। तो इनको मैं बोलता हूँ बेटे 9 आइटम्स होते हैं जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज में आते हैं। कितने आइटम होते हैं? 9 आइटम्स होते हैं। आप सभी को मालूम है ये बैलेंस शीट की कौन सी साइड होती है? सर लायबिलिटीज वाली साइड होती है। ये वाली साइड क्या होती है बेटा हमारे पास? इस साइड को हम एसेट साइड बोलते हैं। तो लायबिलिटी साइड पे क्या क्या आइटम होते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ ये 5 आइटम मुझे लायबिलिटी साइड पे दिखने वाले हैं। 5 आइटम कौन कौन से हैं? पहला आइटम कौन सा है? पहला आइटम मान के चल रहा हूँ मेरे पास रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड क्या होता है? रिजर्व फंड वो फंड होता है जो कंपनी का रिजर्व है। मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा, रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। रिजर्व फंड का मतलब क्या होता है, उस पैसे को हमने बाहर भी इन्वेस्ट कर दिया है। अल्टीमेटली मैथमेटिकली और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन टेक्निकली डिफरेंस आ जाता है कि रिजर्व फंड का मतलब होता है पैसा आउटसाइड सिक्योरिटीज में हम इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, लेकिन जनरल का मतलब वो पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं हुआ है, वो कंपनी के पास या पार्टनरशिप फर्म के पास ही है। तो एक तो रिजर्व फंड हो गया, और हमारे पास और कौन से एक्युमुलेटेड, एक्युमुलेटेड का मतलब ये इकट्ठे हो चुके हैं। हमारे पास एक रिजर्व का नाम है, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाँ जी, बहुत बड़ा नाम है, बच्चे कहते हैं सर नाम ही ख़त्म नहीं हो रहा है ये तो है। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करे, उसी का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और क्या हो सकता है यहाँ पे? एक हमारे पास यहाँ लायबिलिटी साइड पे हो सकता है कि लायबिलिटी साइड पे हमारे हमेशा प्रॉफिट आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। मैं साथ साथ लिखता चला जा रहा हूँ आपके। फिर हमारे पास क्या आ सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, यस जो भी हमने डिस्कस करी जनरल रिजर्व, लेकिन आपके लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़र्क नहीं करना आपको, टेक्निकली डेफिनेशन में ज़रूर फ़र्क है। ये हमारे पास जनरल रिजर्व है। क्या है? जनरल रिजर्व है। उसके बाद हमारे पास एक और आता है रिजर्व यहाँ, वो कहलाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने बोला वर्कमैन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये हो जाएगा वर्कमैन, आगे लिखेंगे हम लोग कंपनसेशन रिजर्व। मैं साथ साथ बोलता जा रहा हूँ, आप इनको लिख भी सकते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये आइटम हो गए हमारे पास। इसके लिए मैंने एक एक्रोनम बनाया है ताकि आपको आसानी रहे कि कौन कौन सी आइटम है जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स की डेफिनेशन में आती है। इसके लिए एक्रोनम हमने याद किया है RIPGW, RIPGW, रिप गुडविल।
थोड़ा सा सैड हो रहे हैं हम लोग। रिप का मतलब रेस्ट इन पीस, और जी डब्ल्यू का मतलब गुडविल बना दिया मैंने। क्या बना दिया मैंने? गुडविल बना दिया। यानी कि आर का मतलब है यहाँ पे कि आर आई पी जी डब्ल्यू याद रखना है। ये माता रानी की हमारी 9 आइटम्स बोलूँगा मैं, 5 हो चुके हैं, 4 हो रहेंगे। थोड़ा सा तरीका आपको और लगेगा, सर आप कैसी बातें कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन बच्चे की भलाई के लिए हमें सारा काम करना है ताकि बच्चा लॉन्ग टर्म के लिए इनको याद रख सके। 5 आइटम कौन कौन से हैं? आर का मतलब क्या है? रिजर्व फंड। आर का मतलब है रिजर्व फंड। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। पी का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। जी का मतलब क्या है? जनरल रिजर्व। डब्ल्यू का मतलब क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। अब इधर क्या आएगा हमारे पास? इधर की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा बेटा? यहाँ आ सकता है हमारे लिए जो आइटम आएगा उसका नाम मैंने दिया बेटा, यहाँ गुडविल आएगी। ये पुरानी गुडविल होती है बुक्स के अंदर में, इसको बोलते हैं गुडविल। और उसके बाद क्या आ सकता है हमारे पास यहाँ? उसके बाद आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी, बहुत बड़ा नाम है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा नीचे तक चला गया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है, फिर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा। क्या आएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ आएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। हाँ जी, मैं दोबारा से बोलता हूँ, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये चार चीज़ें हैं, इनके लिए हमने फिर से एक एक्रोनम बनाया है, उसका नाम है GDPA। फिर से बोलता हूँ GDPA। हमें कहाँ की GDP काउंट करनी है बेटा? हमें यहाँ पे GDP काउंट करनी है। GDP कॉमर्स वाले बच्चों के लिए काफ़ी कॉमन वर्ड है GDPA। GDP हमें काउंट करनी है कहाँ पे? हमारी जो कंट्री है वो कौन सी होगी यहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया की कंट्री। कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन सबसे कम है, देखते हैं वहाँ की GDP कितना है। याद करने का बस एक तरीका है, एक वर्ड याद रख लेना है, बस GDPA। यहाँ पे जी का मतलब क्या हो गया? गुडविल हो गया। डी का मतलब क्या हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पी का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। और ए का मतलब क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे आप चेंज इन रेशो का चैप्टर कर लो, ये तो हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चेंज इन रेशो का चैप्टर कर रहे हैं। चाहे आप चेंज इन रेशो का चैप्टर कर लो, चाहे एडमिशन कर लो, चाहे रिटायरमेंट करेंगे बाद में, चाहे हम डेथ करेंगे, करीब करीब हर जगह, करीब करीब नहीं 100% हर जगह यही ट्रीटमेंट हम करने वाले हैं बैलेंस शीट की 9 आइटम्स की। ये 9 आइटम को हम माता रानी की 9 आइटम्स के नाम से जानते हैं। यानी कि 9 आइटम आप याद रखेंगे कि हमारे पास, हमारे क्वेश्चन में इनकी ब्लेसिंग्स हैं या नहीं है। यानी कि वर्ड्स एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, इसके लिए वर्ड हमने यूज किया RIP GW, यानी कि रिप गुडविल है। और यहाँ पे एक जो वर्ड बन के आया है वो GDPA है। यानी कि पूरा साल हो जाएगा बेटे आप इनको आइटम को सुनते सुनते, आपको जो आपको पता होने चाहिए, ये 9 आइटम्स हैं, ये 9 आइटम माता रानी की हैं। हर एक क्वेश्चन में इनकी ब्लेसिंग्स होती हैं और हमें इनको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ये पुरानी चीज़ें हैं और पुरानी चीज़ों को हमेशा कौन सी रेशियो में डिवाइड कर लेना चाहिए? ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेना चाहिए। फिर से कहता हूँ मैं, यानी कि कभी भी अगर आपको ये आइटम दे रखी हैं तो इनको हम कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे? ओल्ड रेशियो में इनको हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। रिप गुडविल का मतलब क्या है? आर का मतलब क्या है? रिजर्व फंड है। आई का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। पी का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है। जी का मतलब क्या है? यहाँ पे गुडविल नहीं है बेटा, ध्यान रखेंगे, ये जनरल रिजर्व है। याद करने के लिए हमने जरूर एक्रोनम बनाया है। डब्ल्यू का मतलब क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए एक रिजर्व बना के रखती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन। अगर कंपनसेशन देना पड़ गया तो उससे दे देंगे, नहीं है तो ये पार्टनर्स में बढ़ जाता है। जी का मतलब क्या है? गुडविल है। डी का मतलब क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये हमारे एक्युमुलेटेड लॉसेज हैं और आपको मालूम है लॉसेज के बैलेंस डेबिट होते हैं, तो ये हमारे एसेट साइड के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद पी का मतलब क्या है? P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। यहाँ एक ही जगह होगा, या तो यहाँ पी होगा या यहाँ पी होगा। यहाँ पी का मतलब P&L का क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पी का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, और ए का मतलब क्या है यहाँ पे? हाँ जी, ए का मतलब है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। क्या है बेटा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक हमारा लॉस होता है। अब दो बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है बेटा, हमेशा याद रखना, स्पेशली चेंज इन रेशो के केस में है, अदरवाइज तो केस वन मैं बताऊँगा वही लगेगा हर जगह आपका। केस वन क्या कहता है? केस वन कहता है, और केस वन ही होना चाहिए, लॉजिकली बनता भी यही है। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह के प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं,
तो इन प्रॉफिट्स को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशियो में करेंगे? हमेशा याद रखेंगे ओल्ड रेशियो में। इफ़ कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है या नहीं लिखा होता तो एज्यूम्ड होता है कि ये 9 की 9 चीज़ें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो एंट्री क्या बनेगी मैं बता रहा हूँ, इफ़ द पार्टनर्स, इफ़ दे वॉन्ट टू, हु दे पार्टनर्स, इफ़ दे वॉन्ट टू आई एम रिपीटिंग हेयर, इफ़ दे वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, आई एम रिपीटिंग हेयर अगेन, इफ़ दे वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज दैन दे मस्ट बी डिवाइडेड इन टू द, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ फिर से कि यहाँ पे ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर से मैं बोलता हूँ किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ओल्ड रेशियो में, याद रखेंगे ओ आर, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो बढ़ तो जाएंगे सर, एंट्री क्या आएगी ये बताइए। तो एंट्री क्या आएगी, जितने भी रिजर्व फंड होते हैं हमारे वो हमारे क्या हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर में ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री मैं थोड़ी शॉर्टकट में करूँगा बेटा, यहाँ रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, दूसरा नाम क्या है मेरे पास यहाँ पे, RIP के हिसाब से चलेंगे, RIP GW के हिसाब से चलेंगे, P का मतलब क्या है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद मेरे पास क्या आता है बेटा यहाँ पे, उसके बाद मेरा यहाँ जनरल रिजर्व आता है, उसके बाद मेरे पास क्या आता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आता है। इन पाँचों चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और टू कर देंगे हम लोग क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ओल्ड मैं इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एडमिशन में भी हमारा ये चीज़ काम आ जाएगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। और कौन सी रेशियो में करेंगे, हमेशा याद रखेंगे बेटा ओ आर का मतलब है ओल्ड रेशियो। आप कहेंगे सर क्रेडिट क्यों किया है पार्टनर्स को, भाई क्रेडिट इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से और ये हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो पार्टनर्स का कभी भी फायदा होता है तो याद रखें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा ही क्या होगा, क्रेडिट होगा। बेटा हम आगे चलेंगे, बाकी 4 आइटम माता रानी की और हैं, उन्हें हमें नाराज़ नहीं करना। तो उनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। उसके लिए क्या याद रखना है आपको बेटा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ हम क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमेशा क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमेशा डेबिट कर देंगे, टू 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 टू, क्या बोला बेटे, जी डी पी कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। अब जी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया गुडविल, डी का मतलब क्या हो गया आपका, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक एग्जांपल भी लेंगे बेटे, डोंट वरी अबाउट इट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पी का मतलब क्या आएगा यहाँ पे बेटे, पी का मतलब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस आ जाएगा बेटा यहाँ पे। और ए का मतलब आपको मालूम ही है क्या था, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, में फिर से बोलना चाहूँगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा आ जाएगा। कौन सी रेशियो में, हाँ जी ये भी ओल्ड रेशियो में आएंगे। यहाँ ऐसा क्यों करा हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे इनका डेबिट बैलेंस होता है, जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इन अकाउंट को ख़त्म कर देंगे तो ये अकाउंट हमारे क्रेडिट हो जाएंगे, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए लॉस है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब केस टू हमें समझना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात यह आती है, अगर मैंने इनको बांट दिया, याद रखना मेरी बात, केस वन की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने इनको बांट दिया तो इसका मतलब मैंने बांट दिया या मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों का मतलब एक है। इसका मतलब मेरी नई बैलेंस शीट के अंदर में ये रिजर्व वगैरह अब नहीं आएंगे। नहीं आने का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो बट गए, बटने के कारण ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले गए। इसका मतलब ये अब मेरी नई बैलेंस शीट में कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे माता रानी की 9 आइटम, क्योंकि वो हमारे कैपिटल में जाकर मर्ज हो गई हैं। अब कई बार एग्जामिनर कहता है या पार्टनर डिसाइड करते हैं, भाई नहीं 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 भैया, हमें इन प्रॉफिट्स को नहीं बांटना, हम इन रिजर्व को नहीं बांटेंगे, भाई ये हमारे पुराने प्रॉफिट्स हैं, हम क्यों बांट लें, कल को दिक्कत आ गई तो क्या करेंगे। तो पार्टनर ने डिसाइड कर रहा है भैया नहीं 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 ये चीज़ें हम बांटेंगे नहीं। अगर नहीं बांटेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। फिर नुकसान क्या होगा भाई, ऐसा होगा अगर ये नहीं बांटेंगे आगे आने वाले सालों में कुछ और प्रॉफिट आएंगे तो पुरानी चीज़ और नए प्रॉफिट मिल जाएंगे, फिर इनको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, कौन इतना हिसाब किताब रखेगा। तो उसके लिए आज की तारीख में ही हम लोग एक समझौता एंट्री करते हैं। कौन सी एंट्री करते हैं बेटा, समझौता एंट्री करते हैं। समझौता एंट्री कैसे होती है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यानी कि मैंने क्या लिखा, इफ़ दे का मतलब पार्टनर्स, इफ़ दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, मैं फिर से एक वर्ड बोल रहा हूँ, इफ़ दे Do not want to distribute reserves. If they do not want to distribute the reserve, अगर वो रिजर्व को बांटना नहीं चाहते, अगर रिजर्व को बांटना नहीं चाहते तो क्या होगा, समझौता एंट्री होगी, याद रखेंगे।
समझौता एंट्री होगी। समझौता का मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। मैंने इसके लिए वर्ड बनाया है, यानी कि जिंदगी में भी समझौते करने पड़ते हैं कई बार हमें, तो इसका मतलब हमें समझौता एंट्री करेंगे। समझौता एंट्री हमेशा कौन सी रेशियो में होगी, याद रखेंगे ये होगी हमेशा सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। किस में होगी, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक नेट इफेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, मैंने बोला नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट बनाना पड़ेगा। नेट इफेक्ट बना लूँगा मैं, नेट इफेक्ट बना लूँगा। शायद इफेक्ट की स्पेलिंग हम तो गलत कर गए थे, वो हमने ठीक कर लिया। यहाँ पे हम नेट इफेक्ट बना लेंगे इनका। तो नेट इफेक्ट कैसे बनेगा वो आप देखेंगे। इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस कर लेंगे। प्लस माइनस कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम प्लस कर लेंगे, जो हमारे रिजर्व वगैरह होते थे आपको याद होगा, और हमारे लॉसेज जो हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे हम लोग बेटा, माइनस कर लेंगे। और इनके बाद जो इनका नेट इफेक्ट आएगा बेटा, जो इनका नेट इफेक्ट आएगा उसकी एंट्री सेक्रीफाइजिंग रेशियो में करेंगे। एंट्री क्या करेंगे हम लोग, एंट्री हम करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर। आपको याद होगा जो हमारी रिवैल्यूड गुडविल होती है उसकी भी एंट्री हम सेम करते हैं, टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका जरूर हम एक केस डिस्कस करेंगे, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी रेशियो में होगी बेटा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो पार्टनर गेन करेगा उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। उसका लॉजिक है अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में भी आ जाएगा, वो मैं समझाने की आपको कोशिश भी करूँगा। तो एंट्री क्या आ जाएगी, सेक्रीफाइजिंग रेशियो की होगी। रेशियो निकालने का तरीका होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होगा बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी फिर से कहना चाहूँगा, कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको, सर जी समझौता एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, समझौता एंट्री पास करनी पड़ेगी। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे और इसके थ्रू इस बात को समझने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्या करते हैं, हमारे पास दो पार्टनर हैं। हमारे पास कितने पार्टनर है बेटा, हमारे पास दो पार्टनर हैं, दोनों के नाम हैं ए और बी। इनकी ओल्ड रेशियो थी जो हमने डिस्कस करी वही लेंगे, 1:1 है। पार्टनर ने कहा नहीं भैया अब रेशियो हम बदल रहे हैं, 3:2 हो गई। अब हमारे पास जनरल रिजर्व है, हमारे पास कितने का रिजर्व पड़ा हुआ है, हमारे पास मान लीजिए 60,000 रुपये का रिजर्व मेरे पास है। कितने का रिजर्व है, 60,000 रुपये का। अब पार्टनर्स ने कहा पुराना रिजर्व है, ये 1 अप्रैल 2020 को घटना घटी थी, 1 अप्रैल 2020 को घटना घटी थी, उसके अंदर डिसाइड हुआ भैया अब हमारा बिजनेस हम क्या करना चाहते हैं, रेशियो चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस को बंद नहीं करना है, रेशियो को चेंज करना है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो 60,000 रुपये का जो रिजर्व है वो हम क्या करेंगे, रेशियो में बांट लेंगे। पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे, पुरानी बातें हैं, रूल तो क्या कहता है, पुरानी रेशियो में बांट करके खत्म करो। चलो जी हमने बांट दिया, एंट्री आ जाएगी जनरल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, और बात हो गई खत्म। यानी कि क्या हो गया, एंट्री क्या बन गई हमारे पास, 60,000 बांट दो 30,000 और 30,000 दोनों पार्टनर में, दोनों पार्टनर खुश हो गए, कहानी खत्म हो गई। होना तो यही चाहिए कि पार्टनर में ओल्ड रेशियो में चीज़ों को क्या कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। लेकिन कई बार पार्टनर कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं बांटूंगा इसको, मैं बांटने वाला नहीं हूँ, मैं बांटने वाला नहीं हूँ। तो क्या हो गया, यानी कि ये जो प्रॉफिट है, जो जनरेटिव है, अगली बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। ये अगली बैलेंस शीट में सर बिल्कुल चला जाएगा। अब होगा क्या, अब 2-3-4-5 साल हो जाएंगे, अब ये रिजर्व की फैसला होगा इसको किस रेशियो में डिवाइड करें। अब किसी को क्या मालूम कि ओल्ड रेशियो पहले क्या थी, 3 साल बाद हो सकता है बीच में उन्होंने और रेशियो चेंज कर ली। तो तरीका तो क्या है सही बेटा, कि हमेशा यही तरीका बेस्ट है, यही तरीका बेस्ट है। यानी कि हम इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, या रिजर्व को क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे इसको, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन सर अगर नहीं बांटें तो, नहीं बांटें तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको बांटना नहीं होगा, उसके लिए आप इस रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हाँ जी समझौता एंट्री पास करनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी, समझौता एंट्री, यानी कि कहें तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइजिंग, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइजिंग। तो इस केस में मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कैसे निकालूंगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपने देखा था ओल्ड रेशियो मेरी कितनी देर की थी, सर जी 1:1 थी। सर न्यू रेशियो कितनी थी, 3:2 थी। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैसे निकालूंगा मैं, सर ये 1/2 ए एंड बी माइनस करूंगा 3/5 और 2/5 करूंगा। सर इसको कैलकुलेट किया मैंने, कैलकुलेट करके मेरा एलसीएम आ गया 10 5 -6। सर माइनस का 1/10 आ गया, ये 10 आ गया, और ये आ जाएगा हमारे पास 10 एलसीएम लिया तो 5 -4 1/10। जो माइनस का होता है वो गेन करता है,
जो प्लस में आता है वो क्या करता है, हमेशा सेक्रीफाइस करता है। कौन गेन कर रहा है? सर यहाँ तो ए गेन कर रहा है। तो रूल के हिसाब से एंट्री क्या बनी थी? अब ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट, यानी कि समझौता हो गया। समझौता क्या हो गया, समझाता हूँ। ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज़ कैपिटल अकाउंट, कितना होगा हमारे पास यहाँ? ये एंट्री हमारे पास आ जाएगी कितने से बेटा, जो 60,000 है उसका 1/10 निकाल लो आप, वो आ जाएगा 6,000 रुपये। फिर से बोलता हूँ, 60,000 है उसका 1/10 निकालो, 6,000 आ जाएगा। इसका मतलब आपने एक चीज़ देखी यहाँ पे कि गेन कौन कर रहा था? सर ए गेन कर रहा था, यानी कि फ्यूचर में जाके ए को फ़ायदा हो जाएगा। और बी क्या करेगा बेचारा? बी तो सक्रीफाइस करने वाला इंसान है, वो तो त्यागी इंसान है, वो तो बलिदानी इंसान है। तो क्या करते हैं, तो ए और बी डिसाइड करते हैं, भैया आगे जाके डिस्प्यूट ना हो, हमें बिजनेस आगे भी चलाना है, तो क्या करना चाहिए, इसका समझौता कर लेते हैं कि फ्यूचर में जाके ए को 6,000 का गेन होगा और बी को कितने का सेक्रीफाइस कर रहा है, 6,000। तो अभी क्या करेंगे, बी को 6,000 रुपये दे देंगे हम लोग, बी को 6,000 रुपये पकड़ा देंगे। यानी कि बी को 6,000 पकड़ाने का मतलब कैश नहीं देना, इसका मतलब बी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, यानी कि बी का फायदा कर दिया। तो बी के अकाउंट को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे, और ए के अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। ए के अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट। कभी भी याद रखना, पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसका मतलब उसका नुकसान हो रहा है, और बी का पार्टनर अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। तो क्या बनता है, जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो गेन करेगा वो डेबिट होगा, जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट होगा। मेरी बात शायद समझ में आई होगी। अब मान लो एक बच्चे ने कहा, सर मान लीजिए दो चीज़ें आ गई यहाँ पे, मान लीजिए हमारे पास यहाँ, हम जो सवाल आपने डिस्कस किया, आपकी बात बड़ी करते हैं, ए और बी पार्टनर है, 1:1 का रेशियो है, आपने कहा ओल्ड रेशियो है, आपने कहा न्यू रेशियो कितनी है, 3:2। सर आपकी बात ये भी मान ली हम लोगों ने, जनरल रिजर्व दे रखा था मुझे कितने का, 60,000 का ही है, और सर यहाँ पे मेरा PNL का डेबिट बैलेंस भी दे रखा है मुझे, जनरल PNL का डेबिट बैलेंस भी है, हाँ जी PNL का डेबिट बैलेंस भी है, कितना है मेरे पास, वो मेरा 1,00,000 रुपये है, 1,00,000 रुपये है, अच्छा जी 1,00,000 रुपये है। इसके अलावा मेरे पास क्या है, रिजर्व फंड भी दिए हुए हैं, रिजर्व फंड कितने के हैं मेरे पास, वो मेरे पास 30,000 रुपये के हैं। तो अभी तीन आइटम आ गई, पार्टनर ने रेशो चेंज कर ली। एक तो बात हो सकती है कि पार्टनर कहना चाहते हैं कि भाई हम सारी चीज़ों को बांटेंगे, पार्टनर ने क्या कहा, भाई हम तो सारी चीज़ों को बांटेंगे। चलिए जी पहली बात करते हैं, पार्टनर जिद कर रहे हैं हमें बांटना है, तो बांटना है तो एंट्री क्या करेंगे, बेटा ये तो डेबिट बैलेंस है मेरे पास, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, कितने का डेबिट बैलेंस है, 1,00,000 का। पहली बात तो जनरल को बांट देता हूँ मैं, जनरल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, एक एंट्री तो बनेगी ये, दूसरी एंट्री क्या बनेगी, मिक्स भी कर सकते हैं लेकिन मिक्स नहीं कर रहा अभी मैं, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, यहाँ मैंने अकाउंटों को क्रेडिट करा है, ए और बी के अकाउंटों को क्रेडिट किया है, बिल्कुल ठीक है भाई, कितना है ये, 60,000 है। किस रेशियो में बांटने की बात करेंगे, अगर केस वन की बात करते हैं तो सर ये तो आपने बताया है केस वन है तो ओल्ड रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो कितनी है, 1:1 है, कितना कितना बढ़ जाएगा, सर ये तो अभी बांटा था 30,000 बढ़ जाएगा। और रिजर्व फंड कितना है, सर रिजर्व फंड मेरा 30,000 रुपये है, ये कितना कितना बढ़ जाएगा, 15,000 बढ़ जाएगा। और क्या एंट्री बनेगी हमारे पास, एक एंट्री क्या बनेगी, भाई लॉस को भी तो बांटना है सर, लॉस को बांटने की एंट्री क्या करेंगे, सर यहाँ उल्टा हो जाएगा, ए बी अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट हो जाएगी, ए बी अकाउंट डेबिट टू PNL हो जाएगी, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 30,000 का लॉस था मेरा, सॉरी 1,00,000 रुपये का लॉस था, 1,00,000 का लॉस है, कितना कितना बढ़ जाएगा, 50,000 ये, 50,000 ये, काम हो गया खत्म। 99% तो यही चीज़ होती है, 99% तो चीज़ यही होती है। और एक केस टू बनता है बेटे हमारे पास, केस टू में क्या कहेगा, डू नॉट वॉन्ट टू, एक हमेशा वर्ड याद रखना, डू नॉट वॉन्ट टू, डू नॉट वॉन्ट टू का मतलब वो नहीं चाहता इनको बांटना, वो उनको रखना चाहता है, अपने कलेजे से लगा के रखना चाहता है, कह रहा नहीं नहीं बांटूंगा मैं तो इन प्रॉफिट और लॉस को, नहीं बांटेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, समझौता एंट्री करेंगे। फिर से लिख रहा हूँ, समझौता एंट्री करेंगे, और समझौता एंट्री हमेशा कौन सी रेशियो में होती है, सर ये तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में होती है। समझौता एंट्री के अंदर में हम नेट इफेक्ट निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट, तीनों चीज़ों को जोड़ लेंगे, बार बार तीन समझौता एंट्री करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हमें CBSE ने ऑप्शन दे रखी है, आप तीनों का नेट निचोड़ निकाल दीजिए, भाई जनरल हमारा 60,000 का है, एक हमारा रिजर्व फंड था 30,000 रुपये का है, PNL का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस दे दिया तो माइनस में आएगा ये, यानी कि डेबिट वाली साइड है वो माइनस में आएगी, क्योंकि एक तरह का लॉस है, वो चीज़ें प्रॉफिट है, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 10,000 आ गया। अभी 10,000 को कौन से रेशियो में करेंगे हम लोग, 1:1, सॉरी समझौता एंट्री, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, वो तो निकाली थी हम लोगों ने, किसने गेन किया था, सर वहाँ तो हम लोगों ने ध्यान है, ए ने गेन किया था और बी ने किया गया था, सेक्रीफाइस किया है, सर आपके हिसाब से एंट्री क्या आनी चाहिए, ए का अकाउंट क्या हो जाना चाहिए, डेबिट हो जाना चाहिए और बी का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन नहीं यहां उल्टा होगा, एंट्री क्या आएगी, बी अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल आएगी। सर ऐसा क्यों, सर ये तो गलत कर रहे हैं आप,
आपने कहा जो गेन कर रहा है वो डेबिट होता है, लेकिन बेटा यहाँ नेगेटिव अमाउंट आ गया, अल्टीमेटली लॉस आ गया। अगर इन सबका रिजल्टेंट अगर नेगेटिव आ जाए तो ये एंट्री भी उल्टी हो जाएगी। एंट्री उल्टी होने का मतलब क्या है कि जो पार्टनर गेन कर रहा है इसका मतलब गेन नहीं कर रहा, उस पार्टनर ने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो गेन कर रहा है। इसका मतलब अगर नेट इफेक्ट अगर नेगेटिव में आ जाता है, अगर आपका नेट इफेक्ट नेगेटिव में आया था, आज ही आप मेरे साथ बोलेंगे बेटा अगर नेट इफेक्ट नेगेटिव में आ जाता है तो एंट्री उल्टी हो जाएगी। तो हमारा जो सॉन्ग बना हुआ है गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, ये उल्टा हो जाएगा सेक्रीफाइजिंग टू गेनिंग। तो 10,000 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, हाँ जी 1/10 से, और 10,000 को अगर 1/10 से मैं अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 1,000 आता है। तो एंट्री आ जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। पूरी कहानी में बेटा याद रखने वाली चीज़ है कि जो हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं बेटा वो 9 आइटम है माता रानी की, उन 9 आइटमों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अगर आप माता रानी की आइटम्स का ध्यान रखेंगे तो माता रानी भी हमारा ध्यान रखेगी। हमेशा मैं इसी तरीके से इसको याद कराता हूँ ताकि बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट लेके आएंगे और वो भी हम लोग कवर करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ बेटा, मेरा जो मोबाइल नंबर है बेटा वो मोबाइल नंबर है मेरा 9811005750। आप देख लीजिए 5750, कोई क्वेरी है तो आप इसको व्हाट्सअप कर सकते हैं ताकि हम इसको हम सॉल्व कर पाएँ, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए बेटा, और ऐसे आगे वीडियो लेके आते रहेंगे। अब कंटिन्यूसली आप टच में बने रहिए, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट, और थोड़ा आप स्टे होम स्टे सेफ, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बाहर ना निकलें, हम लोग आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।